औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीखी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रताज हुसैन। और आज जिस तारीखी मकाम पे मौजूद हूं मैं, इसके बारे में अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जगह जो मेरे पीछे एक महल नुमा इमारत दिखाई दे रही है, ये जगह हज़रत बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फरीद कोट मिठन वाले रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये एक आर्जी रिहाइशगाह थी। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद साहब जो थे नवाब ऑफ भावलपुर जो थे, उनके यानी कि नवाब ऑफ भावलपुर उनके मुरीद थे और उनसे गहरी अकीदत रखते थे ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह से। तो ख्वाजा ग़ुलाम फरीद साहब जब डेरा नवाब तशरीफ़ लाते तो यहाँ डेरा नवाब के में उनके लिए जो थी एक खसूसी एक महल बनाया गया था, और इस महल में हज़रत बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फरीद साहब रिहाइश पज़ीर होते थे। और ये जो महल मेरे पीछे नज़र आ रहा है, यही वो महल है, तारीखी महल है, जहाँ पे हज़रत बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह आके यहाँ पे क़याम पज़ीर होते थे। तो आइए आगे चलते हैं, आज मैं आपको इस महल तारीखी महल का विज़िट करवाता हूँ और ये मकाम दिखाता हूँ कि आज ये महल किस हालत में है, हज़रत बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब ये महल। तो आइए चलते हैं, देखते हैं तारीखी हज़रत बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का ये तारीखी महल। चलें जी। नाज़रीन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस कदीमी महल में, महल कह लें या कदीमी इमारत कह लें, जो हज़रत बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन वाले उनसे मंसूब है। और ये उसके इर्द गिर्द का एक व्यू है, एक बाग था यहाँ पे चारों तरफ, जिसके दरमियान में ये इमारत तामीर थी। ये अब आपको नज़र आ रही होगी, इमारत की हालत काफ़ी खस्ता है दीगर तारीखी इमारतों की तरह। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस कदर खूबसूरत नक्शो नगार यहाँ पे इसके बैरूनी और अंदरूनी जानब इसके इमारत के बने हुए हैं। ये देख लें, आज भी ये आपको इसके ऊपर बैरूनी जानब किस कदर खूबसूरत नक्शो नगार बने हुए दिखाई देंगे, जो कि साल हा साल की बेकदरी और ना देखभाल ना होने के बावजूद भी अभी भी इस पे कायम है। ये देखें नाज़रीन, इस पे इस जानब भी देखे जा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत नक्शो नगार थे। और इसकी जो खिड़कियां हैं जो कि कीमती लकड़ी से बनाई गई थी, वो भी अब इसमें मौजूद ना है, जबकि ऊपर वाली जानब जो लकड़ी का कुछ काम था वो उसके कुछ आसार बाकी दिखाई दे रहे हैं। और ये देख लें, यहाँ पे किसी ज़माने में चिराग रखने के लिए, रोशन करने के लिए भी जगह बनाई गई है। महल पे उसी किस्म की जो पतली टाइल्स होती थी, जो पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी, उसी तरह की ये टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, जबकि दरमियान में कई जगहों पे जो लकड़ी का काम है वो भी इसके अंदर किया गया है। सतून के तौर पे यहाँ पे लकड़ियाँ भी इस्तेमाल की गई हैं। ये इसके अंदर वाली साइड का एक रूम का मंजर है। और ये इस पे आप देखें, आपको छत थी, जो छत भी अब यहाँ से गिर चुकी है। यहाँ पे कुछ जो लकड़ी के बाले थे वो लगे हुए हैं शतीर, और उन पे किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार आज भी बहुत वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। इसी तरह पूरी इमारत में ही नहायत खूबसूरत रंग और रोगन और पेंटिंग्स की गई थी, जो आज के दौर में कहीं भी नहीं मिलती उस किस्म की पेंटिंग्स। एक रास्ता यहाँ से ऊपर जाने के लिए था जो कि बंद कर दिया गया है, और ये ताज़ा हवा के लिए एक गैलरी सी बनाई गई थी यहाँ पे,
जहाँ पे हवा का क्रॉस होता था यहाँ से और इस जगह पे ठंडक रहती थी, इस तरफ से हवा के लिए रास्ता बनाया गया था और जो कि इस तरफ एक बारी दरा के तौर पे यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया था, यहाँ से हवा का क्रॉस होता था। और यहाँ पे देखें लकड़ी का जो काम है वो आज भी आपको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा होगा, किस कदर खूबसूरत डिज़ाइन कुनिंदा हैं इस लकड़ी पे। दो और दो चार और दो छः और दो आठ के ये सतून थे यहाँ पे, जिनमें से पांच मौजूद हैं और तीन गालबन वक्त के साथ साथ टूट गए हैं यहाँ पे। और ये जो छत है ये छत उस दौर की नहीं है, ये छत अब दोबारा तामीर की गई है जो आपको नजर आ रही है, इसकी असल छत नहीं है, ये बाद की तामीर है। ये उसके साथ दाएं और बाएं भी यहाँ पे कमरे हैं लेकिन तमाम कमरों की हालत खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जलाने की वजह से छत पे जो नक्शो नगार थे वो मिट गए हैं, हालांकि बहुत खूबसूरत नक्शो नगार इसकी छत पे बने हुए हैं। गालबन यहाँ पे धुआं वगैरह कोई आता है जिसकी वजह से ये स्याह रंग में तब्दील हो गए हैं। लकड़ी का काम देखें यहाँ पे भी माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और दे दजेब किया गया है। यहां से भी एक ऊपर जाने का रास्ता था जो कि यहां से बंद कर दिया गया है। ये सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं ऊपर वाली बालाई मंजिल की तरफ जाने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम घूमें तो इसका बाहर का व्यू कुछ इस तरह बनता है। ये उसकी बैरूनी जानब है महल की इमारत की और ये एक और कमरा है जिसमें बहुत अंधेरा है। चलते हैं हम इसके अंदर भी। ये देखें नाजरीन इस कमरे में भी किस कदर खूबसूरत नक्शो नगार किए गए थे जो अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। रोशनी चूंकि कम है इसलिए आपको इतने वाजे तौर पे नहीं दिखाई देंगे लेकिन फिर भी आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि हर कमरे में ही खूबसूरत नक्शो नगार किए गए थे। ये देखें जी किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत नक्शो नगार से मुजयन ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ये रिहाइशगाह थी। और लेकिन अफसोस और दुख तो हमें इस चीज का होता है कि ये अब आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पे। माल बदलने थे इतना क्या करें थे वैसा? माल बदलने थे डंगर जा गमी जानवर जा अच्छा जा ठीक चलो इधर आप उत्ते भी यार मैं तो फोटो बढ़ाते हैं बड़ी सोनी जी बिल्डिंग बड़ी खड़ी उत्ते ये पता नहीं पौड़ी मैं तो होना है मैं मुला देना ही अच्छा चलो अपनी जाए त्रंडे अच्छा पौड़ी चलो मैं आना गपशप लेने आप मैं बढ़ाते वाला आना गपशप लेने आप ये देखें यहाँ पे ये जानवर मौजूद हैं जो कि रात के वक्त इसके अंदर बांध दिए जाते हैं। ये देखें ये वो जानवर हैं जो कि इसके अंदर बांधे जाते हैं। चारों तरफ यहाँ फसलें उगी हुई हैं, आमों का बाग भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो अब लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके कब्जे में ये इमारत है वो यहाँ पे उन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं और घास का काम भी करते हैं।
और ये अब आपके सामने है हालात टोटल। नाजरीन, जहां आज मजीद तारीखी विरसे को इस हालत में देख के मुझे दुख हो रहा है, ऐसे ही तारीखी विरसे से मोहब्बत करने वाले आप लोगों को भी दुख हो रहा होगा कि किस कदर ये नाकदरी हो रही है। एक अजीम शान खूबसूरत इमारत और किस कदर उसके अंदर खूबसूरत नक्शो नगार बने हुए थे और वहां पे जानवरों को बांधा जाता है। ये देख ले, इस तरफ भी माशाल्लाह रोशनी के लिए, चिराग के लिए जो जगह थी बनाई गई, ये बनी हुई है शम्मा, जो इसके अंदर कोई जलाई जाती थी उस दौर में। यकीनन ये साइडों से ढांपा हुआ होगा, कुछ ना कुछ इसके लगी हुई होगी चीज़ उस दौर में, लेकिन आज उसके भी आसार मिट चुके हैं। ये महल जो इस इमारत है उसका कमरा जो है गलबन एक साइड से गिर चुका है, जिसकी ये ईंटें आपको अब दिखाई दे रही होंगी। और हाँ, बिल्कुल ये साइड इस फरीद मंजिल की हम कह लें कि गिर चुकी है। ये एक साइड वाला उसका मंजर कि ये किस किस्म की जगह पे ये वाकया है। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, मजीद देखते हैं, ऊपर की जानब चढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको मैं जितना मैं ऊपर जा सकूं वहां से आपको ये दिखा सकूं। ये अब हम दूसरी जानब आ गए, उसके ऊपर पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए दूसरी जानब आए हैं। ये देखें इसकी जो छत जो बाकी है, किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार उसके ऊपर मौजूद हैं। और सिर्फ इन लकड़ी के बालों पे नक्शो निगार नहीं, पूरी इमारत के अंदर ही दीवारों पे भी बहुत खूबसूरत नक्शो निगार मौजूद हैं। यहां से किसी जमाने में नीचे से ऊपर की जानब सीढ़ियां आती थी जो कि टूट चुकी हैं, और यहां से उनको ऊपर जाते हुए देखा जा सकता है। यहां से चढ़ना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं चढ़ने में कामयाब हो गया तो ऊपर चल के भी आपको दिखाता हूं। नाज़रीन, मैं यहां बड़ी मुश्किल से इस सीढ़ियों तक ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ हूं और अब मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंच चुका हूं, लेकिन सीढ़ियों की हालत इस कदर खस्ता है कि जहां पे भी मैं पांव रखता हूं तो नीचे से लकड़ी के चरचराने की आवाज आती है। और ये देख लें, सीढ़ियां बिल्कुल टूट चुकी हैं और बड़ा रिस्क वाला काम ही लग रहा है ऊपर जाना मजीद, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, ये रिस्क लेता हूं ताकि आपको मैं ऊपर से दिखा सकूं कि ऊपर मंजिल की क्या हालत है। तो ये चलते हैं ऊपर, अल्लाह का नाम लेते हैं। खुदा ना खास्ता ये अगर एकदम सीढ़ियां टूटी तो मैं नीचे वाली मंजिल पे जा गिरूंगा। ओहो, मेरे इस तरफ आने का फायदा कोई ना हुआ, क्योंकि यहां पे आगे रास्ता ही खत्म हो जाता है। चले खैर, कोई बात नहीं, दूसरी जानब से कोशिश करता हूं। लेकिन इसकी चले मैं आपको छत दिखा दूं कि इस वक्त छत किस कदर डिजाइनिंग के साथ अभी भी मौजूद है इसकी। ये देखें किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार इसकी छत पे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं चलता हूं दूसरे रूम की तरफ, शायद उस तरफ रास्ता हो ऊपर जाने का, लेकिन रास्ते तो तमाम बंद हो चुके हैं। इसी तरह के रिस्क लेके ऊपर चढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ये देखें जिस पे मैं मौजूद पहुंचा हुआ उसकी छत देख लें, ये खालिस बांस, ये बिल्कुल बांस की मुझे वो लकड़ी दिखाई दे रही है, या हो सकता है ये बांस ना हो, लेकिन जैसे छोटी छोटी बांस को अगर काटा जाए ना तो इसी डिजाइन में ही बनता है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अब ये बांस है या कोई और लकड़ी है। मुझे नहीं मालूम कि बांस की लकड़ी कितना अरसा तक कामयाब रहती है। आइए चलते हैं, यहां से नीचे उतरते हैं और फिर आगे चल के देखते हैं मजीद। एक और एंगल से ख्वाजा
गुलाम फरीद साहब की जो रिहाइश है गाती उसका मंजर। नाजरीन, मैं इस वक्त दूसरी मंजिल पे पहुंचने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन जिस तरह मैं ऊपर चढ़ा हूं, काश के मेरे साथ कोई दूसरा आदमी मौजूद होता जो मेरी वीडियो बनाता पीछे से खड़े होके कि मैं किस कदर मुश्किलों से यहां पे टूटी हुई दीवारों के नुकरे पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ा हूं, जबकि खस्ता हाल इमारत थी। बार बार यहां से नीचे से मेरे पाँव के नीचे से जो पत्थर थे, ईंटें थी, सुरक रही थी, और उस तरफ से करके मैं यहां से बड़ी मुश्किल तक ऊपर पहुंचने में कामयाब हुआ हूं, ताकि मैं आपको ऊपर वाली ये जो बलाई मंजिल है ये भी दिखा सकूं। ये देखें जी, अब मैं पहुंच गया हूं ऊपर वाली मंजिल पे, और अब आप देखें किस कदर खूबसूरत नक्शोनिगार यहां पे इसकी छत के ऊपर बने हुए हैं, जो दूसरी मंजिल थी। नीचे भी ऐसे ही नक्शोनिगार थे, लेकिन नीचे वाला हिस्सा चूंकि ज्यादातर इस्तेमाल में रहा है, तो उस वजह से मट्टी और धुएं की वजह से वो नक्कूश जो है मिट गए हैं काफी हद तक, और स्याह रंग हो गया उनके ऊपर, स्याह रंग चढ़ गया, गालबन धुएं के रंग उनके ऊपर चढ़ गए हैं। लेकिन ऊपर वाली जो मंजिल है उसके नक्कूश अभी भी देख लें किस कदर दीदा जेब और खूबसूरत आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देख लें नाजरीन, ये कोई तकरीबन 150 साल पुरानी इमारत है, लेकिन उसके बावजूद ही आप देख रहे हैं कि किस कदर उस पर अभी भी, आज भी, जबकि यहाँ बिल्कुल उसकी इमारत की बेकदरी हो रही है, नाकदरी हो रही है, कोई हिफाजत नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखें कि किस कदर खूबसूरत नक्शोनिगार इस पर बने हुए हैं, इसकी छत पे और इस पर जो लगे हुए लकड़ी के बाले हैं उन पे, और उसके साथ साथ ये जो लकड़ी के उसके शतीर हैं, गार्डर हैं बने हुए लकड़ी के, उसके ऊपर भी किस कदर खूबसूरत नक्शोनिगार हैं, माशाल्लाह। तो उस दौर में देख लें कि ये किस कदर खूबसूरत इमारत होगी। नवाब साहब की ख्वाजा गुलाम फरीद साहब से अकीदत है, मोहब्बत थी, और ये देख लें कि उनकी अकीदत और मोहब्बत में किस कदर खूबसूरत इमारत यहाँ पे उन्होंने तामीर करवाई। ये देखें आप, मैंने इतनी मेहनत से जो ऊपर चढ़ा हूं, तो आज आपको ये इतनी खूबसूरत जो उसकी ख्वाजा फरीद साहब के से मंसूब ये मंजिल है, उसकी ये ऊपर से आपको एक व्यू दिखा रहा हूं। और ये दीवारें देखें आप, दीवारों पे किस कदर खूबसूरत नक्शे हैं, ये देखें। हवा की आमद रफ्त के लिए देखें यहां पे चारों जानब खिड़कियां रखी गई थी, जिससे ताजा हवा यहां से क्रॉस होती थी, और ये जगह भी ठंडी रहती थी, और यहां पे अगर बैठा जाता गर्मियों में तब भी यहां पे किसी किस्म की घुटन और गर्मी का एहसास नहीं होना था। आज मैं यहां मौजूद हूं, यहां पे मुझे वाज़े तौर पे महसूस हो रहा है कि किस कदर फरवानी से हवा की क्रॉसिंग हो रही है यहां पे। ये देखें, ये हैं वो रास्ते, खिड़कियां, जो वक्त पड़ने पे यहां पे खिड़कियां लगी होंगी, जो वक्त के साथ अगर खोलना मुनासिब होगा तो खोल दी जाती होंगी, और अगर बंद करना मुनासिब होगा तो बंद कर दी जाती होंगी। ये है वो हवा के गुजरगाह का रास्ता इस कमरे में, और इसके साथ साथ ये दीवारों पे खूबसूरत नक्कूश, और ये जो लकड़ी का जो उसका सतून है वो भी आप देख लें किस कदर खूबसूरत नक्शोनिगार का हामिल है। ये देखें, इसके साथ ही आगे एक और कमरा मौजूद है। नाजरीन, ऐसी जो वीरान और खाली जगहें होती हैं वहाँ पे सांप, बिच्छू और उनके साथ साथ जो है डेंगू, जो जिसको हम डेंगू बोलते हैं, तो वो भी बहुत अपने छत्ते बना लेते हैं, और यहाँ बड़ी दुश्वारी होती है ऐसी जगहों पे मुझे वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैं फिर भी इनसे कतराता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जितनी भी वीडियो बनाने सकता हूँ वो बनाने की कोशिश पूरी करता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा छत्ता मौजूद है, इसके नीचे से मुझे गुजरना पड़ेगा दूसरे रूम की तरफ जाने के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि इनके नीचे से गुजरूं, अगर एक दो डेंगू लड़ भी गए तो कोई बात नहीं। ये ले जी, इस तरफ निकलने में आ गया हूं मैं। ये भी ऐसी खूबसूरत इमारत थी जिसकी छत अब बाकी नहीं रही। ये देखें, इस पे खूबसूरत नक्शोनिगार,
यहाँ से ये सीढ़ियाँ होती थी जो ऊपर आया करती थी, लेकिन नीचे से ये सीढ़ियों वाला रास्ता अब बंद हो गया है, ऊपर आने के लिए रास्ता नहीं है। अब मैं जो ऊपर चढ़ा हूँ वो दीवारों को पकड़ पकड़ के, टूटी हुई दीवारों को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ा हूँ और आपको ये ऊपर वाला व्यू दिखाने में कामयाब हो रहा हूँ। वापसी पे मेरे लिए उतरना मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ना मेरे लिए आसान था, पकड़ पकड़ के फिर भी चढ़ आया हूँ किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब वापसी अल्लाह करम करेगा वो भी उतर जाऊंगा किसी न किसी तरीके से। ये यहाँ पे इसका जो दो पोर्शन थे, एक पोर्शन परली जानब, एक पोर्शन इस जानब था, तो यहाँ पे ये रास्ता उस दौर में तो होगा, यहाँ पे मौजूद होगा, ये रास्ते के आसार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी रास्ते के आसार दिखाई दे रहे हैं जो बंद कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे आसार मौजूद नहीं है। ये देखें आप, दोबारा हम पहले वाली जगह पे आए हैं, खूबसूरत फूल बने हुए हैं, गमला बना हुआ है और ये एक चिराग, और चिराग के अंदर गालबन ये चिराग है और ये से आम के गालबन दिखाया गया, आम रखे गए हैं इसमें, सॉरी ये चिराग नहीं बल्कि चिराग की शक्ल का जो है वो एक प्लेट नुमा बर्तन है जिसमें ये रखे गए हैं और उसके ऊपर ये गुलदान है और बीच में फूल हैं। किस कदर खूबसूरत नक्शो नगार यहाँ पे पूरी इस इमारत के अंदर बने हुए हैं। इस जानब भी उसी तरह के खूबसूरत नक्शो नगार बने हुए हैं हर तरफ और बहुत खूबसूरत फूल बूटे भी बनाए गए हैं और ये हवा की निकास के लिए, आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता है। इस तरह के दोनों जानब तीन तीन जो थे रास्ते बनाए गए थे ताकि यहाँ से ताज़ा हवा की आमदोरफ्त होती रहे। ये उसी कमरे से मुतसल एक और कमरा है जिसकी तरफ जाने का रास्ता भी बहुत मुश्किल और ख़तरनाक सा है, लेकिन मैं उसमें भी आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये भी उसी किस्म की ही छत है, खूबसूरत नक्शो नगार की हामिल, लेकिन इसमें जो है एक जानब लकड़ी का काम भी ऊपर वाली जानब किया गया है और उसके बाद नीचे ये तख्ते लगाए गए हैं। इसकी दीवारों पे नक्शो नगार तो हैं लेकिन जो साथ वाली दूसरी इमारत थी उसकी निस्बत कम नक्शो नगार हैं यहाँ पे दीवारों के ऊपर, जबकि बाकी छत के ऊपर उसी किस्म की ही कशीदाकारी और डिजाइनिंग की गई है। और इसके ऊपर एक और मंजिल के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, यानी तीन मंजिला ये इमारत थी। ये इसकी भी छत गिर चुकी है और इसके ऊपर जो एक कमरा है उसकी मजीद छत आगे दिखाई दे रही है। नाजरीन, मैं ऊपर तो आ गया हूँ किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब नीचे जाने के लिए अब मुझे फिक्रमंद हो रहा हूँ कि नीचे जाने के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है, पत्थर हैं जो ईंटे हैं और कच्ची मिट्टी है जो बार बार पाँव के नीचे से सिरक जाती है और यहाँ से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि कोई चीज़ भी नहीं है पकड़ के जिसको आदमी नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे खैर खैरियत से नीचे पहुँच जाऊँ। ये दूसरी जानब से एक व्यू इसका मुलाहिजा फरमाएं, तमाम के तमाम दरवाज़े, तमाम के तमाम खिड़कियां जो हैं वो यहां से कब की उखाड़ ली गई हैं और ये खूबसूरत और हसीन व जमाल अपने वक्त की ये मंजिल, ये इमारत आज एक खंडर के रूप में हमारे सामने मौजूद है। ये देखें आप, कहीं पे भी कोई जो कीमती दरवाजे थे, कीमती खिड़कियां थे, किसी की बाकियात भी अब मौजूद दिखाई नहीं दे रही इस इमारत में। आइए हम चलते हैं, यहाँ पे एक रूम है उसको अंदर से मजीद देखते हैं कि उसके अंदर किस किस्म के नक्शो निगार बने हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने रिहाइश रखी हुई है जो कि घास का काम करते हैं और यहाँ पे घास काटते हैं और जानवर भी उन्होंने रखे हुए हैं, उनका ये सामान पड़ा हुआ है। बाकी आप देख लें,
इमारत में किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लगता है गालबन किसी धुएं की वजह से इनकी जो चकोचौंध है इन नक्शो निगार की वो मान पड़ चुकी है। छत पे किस कदर खूबसूरत काम किया गया, जबकि उसके साथ साथ जो ये शतीर थे इसके, उनके ऊपर भी बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। और उसके साथ साथ ये देखें आप, ये उसका शतीर है। और यहाँ नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस कदर मजबूत लकड़ी होती थी कि इसके ऊपर, इस तरह की शतीरों के ऊपर दो दो तीन तीन मंजिला इमारतें कायम हो जाती थी। और उसके बावजूद भी इनमें इनकी ताकत जो थी वो इनको संभालने में, वजन संभालने में कामयाब रहती थी। ये देख रहे हैं जो मुख्तलिफ दराजें थी, खिड़कियां थी, शेल्फें बनी हुई थी, उनमें भी खूबसूरत नक्शो निगार चारों तरफ मौजूद हैं। ये देखें दीवारों के ऊपर भी नक्शो निगार मौजूद है, छत के ऊपर भी नक्शो निगार बनाए गए, और जो बीच में शतीर और बाले लकड़ियों के इस्तेमाल किए गए उनके ऊपर भी खूबसूरत नक्शो निगार मौजूद हैं। देखें किस कदर खूबसूरत काम किया गया है यहाँ पे। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह से नवाब ऑफ भावलपुर जो थे उनको खसूसी मोहब्बत थी, उनके पीरो मुर्शिद थे ये। और उनके लिए देखें किस कदर खूबसूरत और दीदा जेब जो था इमारत यहाँ पे डेरा नवाब साहब में उनके लिए तामीर फरमाई गई थी। यहाँ पे आके ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रिहाइश पजीर होते थे। नाजरीन ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह वैसे तो एक बुज़ुर्ग हस्ती थी, और बुज़ुर्गों से तमाम मुसलमानों को अकीदत है, अल्लाह वाले लोगों से मुसलमानों को मोहब्बत भी है। लेकिन इस तारीखी हवाले से अगर मैं बात करूं इस इमारत की जो आज मैंने आपको दिखाई है, तो ये उनकी रहायशगाह थी। एक तो ये उनकी रहायशगाह थी और दूसरा ये तारीखी अहमियत की भी हामिल है। ये इमारत कदीम इमारत है, तारीखी इमारतों में तारीखी विरसा ये है हमारा शुमार होता। और आज मैंने ये तारीखी विरसा आपको दिखाया है, ये किस हाल में है इस वक्त, मौजूदा हालत इसकी किस किस्म की है, आपने खुद मुलाहजा फरमाई। तारीखी विरसे के साथ ये हाल और ये सलूक कोई पहली बार नहीं हो रहा, मुतअद्दद बार जब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसा ही सलूक होता है। आज आपने इसमें देखा है कि बजाय इसकी निगहदाश्त के इस इमारत के अंदर किस तरह जानवरों को बांधा जाता है, और इमारत के कमरों के अंदर जानवरों को बांधने के लिए जगहें बनाई गई हैं, जिससे मजीद इस तारीखी विरसे को नुकसान पे पहुंच रहा है। और ये हमारे तारीखी विरसे की एक बेहुरमती भी कह लें हम, और हमारे जो तारीखी विरसों के अमीन हैं, जो महकमे हैं, उनकी नाअहली भी कह लें कि उनकी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। साथ के साथ ये हमारे बुजुर्ग हस्ती की भी मैं तो ये कहूँगा तौहीन है कि जहाँ पे उनकी रिहाइश थी वहाँ पे जानवरों को बांधा गया है। तो इस सिलसिले में अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैंने आपको जो मकाम थी, वो जगह थी जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, ये जगह दिखा दी और इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल भी दिखा दी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा, और साथ के साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीखी मकामात वाला चैनल नहीं देखा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई जो वीडियोज़ हैं इसी तरह की मालूमाती वो आप तक जल्द पहुँच सकें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीखी मकाम पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।